बिसमिल्ल रिम्स अलग स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्न विद बुशरा विद एन अदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू द डिवेलमेंटल बायोलॉजी एंड द टॉपिक वी विल डिस्कस इज़ पॉलिस पर सो पोलिस पर इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट ऑफ आल वी विल डिस्कस वट इज़ द कॉन्टेंट डेफिनेशन विद द रेफरेंस ऑफ सी अर्चन ब्लॉक्स टू पॉलिस पर फास्ट ब्लॉक्स स्लो ब्लॉक ऑर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन हम इन में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे सो आई होप आप लोगों ने अपना पेन और नोटबुक जो है वो पकड़ ली होगी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द पोलिस परमी पोलिस परमी डिस्क्राइब्स एन एग दैट हैज़ बीन फर्टिलाइज बाय मोर देन वन स्पम सो इट इज़ द पोलिस परमी एज द नेम शोज पोली मीन्स मैनी एंड स्पमी मीन्स स्पर्म जब बहुत ज़्यादा स्पम्ब्स आकर एक एग को फर्टिलाइज करते हैं उस प्रोसेस को हम पोलिस परमी का नाम देते हैं सी अरचिन के अंदर ये कैसे होती है सी अर्चिन के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है बाय टू स्पर्म रिजल्ट इन द्री एंड न्यूक्लियस डेफिनेटली जब एक स्पर्म और एक एग फर्टिलाइज होगा तो टू एंड निकलियस बनेगा एक स्पर्म से आएगा और एक एक् से आएगा और जब दो स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे एक एग को तो थ्री एंड निकलस जो बनेगा सेंट्रीओल डिवाइड हो जाएंगे और दो पोल्स की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पर जो है डिवाइडेड डिवीजन जो है स्टार्ट हो जाएगी वही प्रोसेस जो है नॉर्मली होता है उसके बाद जो है पॉलिस परमी देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है परमी हुई हुई है परमी के बाद जो है वो कंप्लीशन ऑफ म्योसिस एंड नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन हुई हुई है डेवलपमेंट विद द रेफरेंस ऑफ सी अड़चन यहाँ पर बहुत ही जो आपको प्यारी डायग्राम दिखाई हुई है और इसके अंदर दिखाया हुआ है कि कैसे यहाँ पर क्लीवेज हो रही है मीनस के ये पॉइंट आपने याद रखना है कि सी के अंदर Uh, जो है वो पोलिस परमी मोस्टली की जाती है उसके बाद अगर हम मेकानिज्म की बात करें वट इज़ द मेकानिज्म टू अवॉइड पोलिस परमी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देयर आर टू मेकानिज्म बाय विच वी कैन अवॉइड पोलिस परमी फर्स्ट इज द फास्ट रिएक्शन एंड द सेकेंड इज द स्लो रिएक्शन एंड एक्चुअली फास्ट रिएक्शन इज डन बाय द इलेक्ट्रिकल चेंज इन द एग प्लाज्मा मेम्रेन एंड स्लो रिएक्शन इज अकर्स बाई द एग्जोसाइटोसिस ऑफ द कॉटिकल ग्रेन्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फास्ट ब्लॉक टू पॉलिस पर मी इट इज एक्चुअली अचीव बाई चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे एग होता है एग की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेमब्रेन का नाम देते हैं उसका जब अलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम चेंज कर देते हैं उस कंडीशन में हम इसको क्या नाम दे रहे हैं डेट इज अ फास्ट ब्लॉक टू पॉलिस पर मी कंसनट्रेशन डिफ्रेंस इस्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर द सोडियम आयन कंसनट्रेशन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल कंसनट्रेशन किसकी चेंज करेंगे सोडियम आयन की कन्सन्ट्रेशन चेंज करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर बताया है कि सी वाटर के अंदर उन्हें पर्टिकुलर रेफरेंस दिया है कि उसके अंदर सोडियम आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और एक्साइटो जो है वो लिटल सोडियम जो है वो कंसनट्रेशन रखता है इस तरह से कंडीशन मेन्टेन की जाती है बाय द प्लाज्मा मेमब्रेन स्टीडली इनहिबिट्स द एंट्री ऑफ द सोडियम आइंस ओके okay, नेक्स्ट uh, जो है हम देखें इलेक्ट्रिकल चेंज कैसे होता है सो हेयर इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड हेयर इज़ द स्पम स्पम जैसे इसने एग को जो है टच करना एक मेम्ब्रेन को टच करना यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाना है तो एक्चुअली जो है इसकी जो मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन है इसको हम जो है एक्चुअली चेंज करते हैं और नेक्स्ट जाकर फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल चेंज की वजह से फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिसपर्मिंग जो है वो हो जाती है नेक्स्ट मीनिंग ऑफ स्लो ब्लॉक ऑफ परमी एंड ये आपने याद रखना है द स्लो ब्लॉक ऑफ परमी इज डन बाय द कॉटिकल ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल कंटेंट बिल्डअप इन द इन बिटवीन द एग्स मेम्ब्रेन एंड द वॉल डू टू थिंग्स रिमूव्स द स्प रिसेप्टर्स फ्रॉम द पलाज्मा मैंमबरेन एंड हार्डन विटिलाइन ले फॉर्म्स ऑफ फर्टिलइज्ड इन क्या बात करता है वो कहता है कि यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि स्पम को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं और वहाँ पर स्पम आगे विटलाइज अटैच होता है तो वहाँ पर जो स्पम का रिसेप्टर है उसको हम रिमूव कर देंगे और जो विटलाइन लेयर है उसको भी क्या कर देंगे हार्ड कर देंगे ताकि वहाँ पर ख़ास किस्म की इन्वेलप बन जाए और स्पम एंट्रेंस ना हो सके तो इट बिकम एक्टिव अबाउट आफ्टर दस्ट माइक्रोमीटर इन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं अब यहाँ पर उन्होंने मेकनिज्म uh, दिखाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यह एग की मेम्रेन दिखाई हुई है उन्होंने और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये देखें ये बहुत ज्यादा स्पर्म जो है वो बाहर दिखाए हुए हैं अब ये स्पम ने जाकर क्या करना है अंदर जैसे ही वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे और उन्हें फर्टिलाइज़ करना है लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे जैसे ही पहला स्पम यहाँ पे देखें वैन फर्स्ट स्पम जो है एंटर हो जाता है इसके अंदर देन यहाँ पर जाकर क्या कर दिया जाता है यहाँ पर जाकर ये बाकी जितने भी स्पम्प्स को बाइंड करने के लिए यह मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं उसको हमने चेंज कर देना है या उसको ब्लॉक कर देना है जब रिसेप्टर्स ही रिमूव कर देंगे तो अल्टीमेटली दे आर अनएबल टू अटैच विद द रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा रिएक्शन विल स्टॉप के रिएक्शन को हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूलिज्म का नाम देते हैं नेक्स्ट अबाउट दिलीज बाई दूल आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूलो पिरन प्रोटीन होती है एंड म्यूकोपोलीसे आपने याद रखना है नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं वट इज़ द सी जी एस पी एक्चुअली डिजोल्व प्रोटीन पोस्ट दैट कनेक्ट विटेन इन्वेल्प टू सेल मेम्ब्रेन एंड दे क्लिप ऑफ द बाइंडिंग रिसेप्टर एंड स्पर्म अटैच टू दैम एक खास किस्म का रिसेप्टर के बारे में एक एग्जाम्पल बताई हुई है कि एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है जो कि मेम्ब्रेन विटेलिन मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है स्पर्म यहाँ से इसको रिकोगनाइज करता है उसके बाद क्या हो जाता है अटैच हो जाता है नेक्स्ट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं म्यूकोपोलीसेक्राइड्स के बारे में वट इज़ द म्यूकोपोलीसेक्राइड्स इट इज़ प्रोड्यूस इट इज़ यूज फॉर द प्रोड्यूज प्रोडक्शन ऑफ द ओस्मोटिक ग्रेडियंट दैट काज वाटर टू रश इन टू द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द बिटलिन इन वैलप एंड बिकम फर्टिलाइजेशन इन वैलप सो यूकोपोलीसेक्राइड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीज़ होती हैं जो कि ओस्मोटिक ग्रेडियंट को इस्टेबलिश करती हैं तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है नेक्स्ट जो है वो हायलिन प्रोटीन्स की बात करें तो हायलिन प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जो एग के अराउंड कोटिंग बनाती है सो वी कैन से दैट हायलिन प्रोटीन फॉर्म्स अ कोटिंग अराउंड द एग एंड एग एक्सटेंड इलोंगेटिड माइक्रोबायोलॉजी हु टिप्स अटैच टू दिस हायलिन लेयर एंड दिस लेयर प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर द द्लास्टोमेयर्स ड्यूरिंग द क्लीवेज सो ये हायलिन प्रोटीन को हम बाइंडिंग प्रोटीन का नाम भी देते हैं तो so इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स उसके बाद जो है ये स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलिस पर मैं आपको दिखाया हुआ है आ, देखें यहाँ पे फास्ट ब्लॉक एंडेड इन टू मिनट्स उसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड नेक्स्ट जो है उसके बाद एक्शन वन बन वन बाई वन जो है होते जा रहे हैं सीरीन प्रोटीन प्रोटीज इंजाइम है म्यूकोपोलीसक्राइडस हैं परजीडेज होती हैं हेलिन प्रोटीन्स होती हैं जो इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं एनिमेशंस एनिमेश सो तो नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें ये बात मैकेनिज्म दिखाया हुआ था जिसमें ए, क्रोटिकल ग्रेन्यूलर मैकेनिज्म और फर्स्ट पे जो हमने पोटेंशियल के चेंज करने से जो पूरा एक प्रोसेस बताया उसकी थी ए, उसके बाद जो है हम रोल ऑफ कैल्शियम आयन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर मैकेनिज्म इसका सिमिलर ही है जिस तरह आइ्रोसोम का मैकेनिज्म होता है अपॉन फर्टिलाइजेशन कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन इंक्रीजेज हो जाती है एग के अंदर इन हायर कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन जो है उसके बाद ये फ्यूज हो जाती है विद द एग मेम्ब्रेन के साथ और फिर कॉन्टेंट्स को रिलीज कर देती है वंस फ्यूजन बिकन नियर द पॉइंट ऑफ द स्पर्मेंट्री अ वेव ऑफ़ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस प्रोपेगेट्स एंड एक्चुअली इट इज़ द साइड ऑफ एग सो यहाँ पर जो है कैसे होगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जब कैल्शियम कैलशियमेशन ज्यादा होती है तो अपना कॉन्टेंट uh, जो है रिलीज कर देते हैं जब कॉन्टेंट रिलीज कर देते हैं तो एक्चुअली जो एक्सोसाइटोसिस होती है और वो uh, जो है वो एग के बाहर की साइड पर जो है कॉन्टेंट का रिलीज होना तो यहाँ पे देखें दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग दैट इज अटी कोटेक्स योक है योक के बाहर ऑर्गेनिज हैं फर्टिलाइजेशन हो रही है ये माइक्रो ट्यूबियस पम्प जैसे इसको फर्टिलाइज किया उसके बाद एक कोटिकल रोटेशन वगैरह को दिखा रहे हैं यहाँ पर देखें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से मेकनिजम दिखाया हुआ है इस पम्प जैसे इसको फर्टिलाइज करेगा इसके अंदर जो है ये पी आई पी टू जो इसके अंदर प्रोटीन ये देखें एक डी ए जी में और एक आई पी थ्री में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद ही कैल्शियम एंड इंक्रस्टेशन जैसे ज़्यादा हो रही है ये अपना जो कंटेंट है ये साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर रहा है उसके बाद ये देखें एक्सोसाइटोसिस को रहा है सो so, ये मेकनिज्म था छोटा सा तो इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक थे ये फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक एंड पोलिस परमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपने डेफिनेशन पोलिस परमी की डेफिनेशन स्लो ब्लॉक कैसे होता है फास्ट ब्लॉक कैसे होता है पोलिस परमी का तो ये चीज़ें आपने याद रखनी आई होप आपका आज का लेक्चर मेरे साथ इंटरेस्टिंग रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब लाजमी कर दें बेलाइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली मिलती रहे ना अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक दुआओं में याद रखें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अल्लाह